सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर दी है। यह खबर ग्राहकों के लिए किसी सुविधा की नहीं बल्कि उनके लोन की ईएमआई और बढ़ाए जाने को लेकर है। दरअसल एसबीआई ने लोन को लेकर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट्स यानी एमसीएलआर में 0.15% तक का इजाफा कर दिया है। इससे ज्यादातर कंज्यूमर लोन महंगे हो जाएंगे क्योंकि होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन जैसे कर्ज एमसीएलआर से लिंक्ड होते हैं। दरअसल एसबीआई ने एक साल की एमसीएलआर को 0.10% बढ़ाकर 8.05% तक कर दिया है। अभी तक यह 7.95% थी। आपको बता दें कि एक साल की एमसीएलआर के बेस पर ही होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की दरें तय होती है। ये नई दरें 15 नवंबर 2022 से लागू हो गई है। एसबीआई ने इसकी जानकारी अपने आधिकारिक वेबसाइट के जरिए दी है, जिसके अनुसार 2 और 3 साल की एमसीएलआर को भी 0.10% बढ़ाकर 8.25 और 8.35% किया गया है। इतना ही नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1 और 3 महीने की एमसीएलआर को 0.15% बढ़ाकर 7.75% कर दिया है। वहीं 6 महीने की एमसीएलआर को भी 0.15% बढ़ाकर 8.05% कर दिया है। इसके अलावा 1 दिन की एमसीएलआर को 0.10% बढ़ाकर 7.60% कर दिया गया है। अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि एसबीआई के इस फैसले से ग्राहकों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब उन्हें लोन लेने के लिए अपनी जेब पहले के मुकाबले और अधिक ढीली करनी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।